I can hear your voice. I can hear your voice. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, भाई टाइम हो गया है 10:30 और एज यूजली हम फिर से लेट हो गए हैं। चलो कोई नहीं, अब तो हमें जाना है जिस, और आज की जो मॉर्निंग है वो देखिए कितनी सुंदर है भाई। आज धूप बहुत अच्छी आई है, मौसम बहुत बढ़िया है और ये पहाड़ देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस ऐसे इतना पास में है, जाके पकड़ लो। और ये देखिए यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है और ये है हमारा होम स्टे दिलब्रू है। यहाँ पे हम गाँव में भी गए थे, अच्छा लगा यहाँ पे। अभी पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे इनके कैफे में चाय वाय पीने, नाश्ता करने और फिर निकलेंगे जिस्पा की तरफ। तो फटाफट वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम थोरंग के रास्ते स्पा से केलोंग के शशुर मठ तक एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं और मेरे साथ है मेरी पत्नी और हम सवारी करेंगे अपनी पल्सर RS 200 पे हिमाचल की कुछ सबसे उबड़ खाबड़ लेकिन बहुत ही सुंदर और लुभावनी सड़कों पर। तो आइए चलिए मेरे साथ इस जर्नी पे। चलें, हेलमेट और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो। और आज हमने वही कपड़े पहने हैं क्योंकि हमारे सारे कपड़े जो है वो मनाली में रखे हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के हम ले रहे हैं एक परांठा और एक ब्रेड। ऊपर हम बैठे हैं खाली व्यू के लिए। शक्ल थोड़ी ऐसी हो गई है क्योंकि कपड़े वही पहने हैं, हमारे सारे कपड़े तो मनाली में पड़े हुए हैं। दिल्ली में गर्मी हो रही है 45 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे भैया हमें ठंड लग रही है, होठ फट रहे हैं, गाल फट रहे हैं। सो गाइस देखिए भाई टाइम हो गया 11 बजे निकल रहे हैं हम। अच्छे अच्छे फूल, ये हमारी बाइक खड़ी है। पहले तो बाइक को एक बार कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले तो बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा और पेट्रोल की डंडी भी कम हो गई है। आगे पेट्रोल पंप है, वैसे पेट्रोल डलवा लेंगे। सो गाइस अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं। देखिए ये यहाँ पे एक पुल बना हुआ है बड़ा अच्छा सा और यहाँ से ये जाके ये कच्चा रास्ता आ जाता है। शायद यहाँ पे कोई गांव वाँव या उनका कोई रास्ता होगा पर हमें भी यहाँ से ही जाना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए यहाँ पे कि एक दो फोटो खींच लेंगे बढ़िया बढ़िया सी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हार्डली 10 मिनट। सो गाइस दिस इज द मॉनेस्ट्री और ये व्यू है यहाँ का, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और रास्ता भाई इसमें। सो ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और ये कहते हैं कि इनको घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और इन पे मंत्र लिखे हुए हैं, इसको भी घुमाओ। नहीं घूम रहा है। शशुर मठ हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के केलोंग में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर है और केलोंग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मठ का नाम शाशुर का अर्थ है नीली चीड़, जो मठ के आसपास के चीड़ के पेड़ों की ओर इशारा करता है। शाशुर मठ की स्थापना 17वीं सदी में लामा देवा ग्याचो द्वारा की गई थी। जो भूटान के नागवन नामग्वाली के एक मिशनरी थे। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म के
डुबका संप्रदाय से संबंधित है और अपनी जीवंत भिंत चित्रों थांगता पेंटिंग्स और बुद्ध की 15 फीट ऊंची थांगता चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर कीलोंग जाता है या जिस्पा जाता है तो वो इस मॉनेस्ट्री में ज़रूर जाए। हाँ, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, डरावना भी है, लेकिन जो अल्टीमेट नज़ारा वहाँ से दिखता है वो बहुत कमाल का है और वन टाइम ये नज़ारा है जो दिल में और मन में बस जाता है। तो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। तो गाइस थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ ये जो नज़ारा है ना, ये लाइफ टाइम का नज़ारा है सच्ची में भाई। ऑसम, मतलब भाई क्या कहूँ, क्या नज़ारा है ये। इतना ऊपर हमारे इतना रिस्की रोड है, ये देखिए सारा रोड बना हुआ है, लेकिन भाई नज़ारा, भाई ये पहाड़ जो है भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये मॉनेस्ट्री भी बहुत ही सुंदर है। गाइज अभी यहाँ पे हम बैठे 5-10 मिनट बैठ के आराम से ध्यान लगाया, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है कि ध्यान तो आप कहीं भी लगा सकते हो, मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो, पर ये जो जगहें होती है ना, इनकी जो अलग ही एक पॉजिटिविटी होती है, जो इनकी एक एनर्जी फील होती है, वो सच में मुझे तो फील हुई। तो अब यहाँ पे हमारे टाइम हो गया है और अब निकलते हैं फिर दोबारा से उसी सड़क पे। चल सो गाइज अब नीचे की तरफ आ गए हैं, ये देखिए पीछे है ये मॉनेस्ट्री। भाई नज़ारा इतना सुंदर है, जितनी मर्जी फ़ोटो खींच लो, जितना मर्जी आप यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब मन ही नहीं भर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हमें एक पर्सन मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मेरी बीवी को अभी डर लग रहा है यहाँ से नीचे उतरने में बाइक पे, तो हमने उससे बात करी कि भाई आप अपनी गाड़ी में छोड़ दो। तो अभी यहाँ पीछे वो खड़े हैं और वो यहीं से गाड़ी ले आएंगे, तो नीचे तक मैं बाइक पर आ जाऊँगा और मेरी बीवी गाड़ी में आ जाएगी। चलो फिर, चलने का टाइम हो गया है, लेट्स गो।